हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्पॉट अकेडमी में स्वागत है। मैं सैन सोनकर, आज हम आप लोग को नाक के बारे में बताएंगे। ठीक, तो नाक या इंग्लिश में नोज कहते हैं। ठीक है, नाक या और इसको नासिका भी कहते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाक जो होता है सेंस ऑर्गन्स का वह भाग है जिससे हमें गंध का पता चलता है। गंध नाक के माध्यम से ही हमें गंध या इंग्लिश में इसको स्मेल कहते हैं। तो हमें इस नाक के माध्यम से ही गंध का पता चलता है। और गंध जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला सुगंध और दूसरा दुर्गंध। ठीक है, तो ये नाक ऐसे कार्य करता है। नाक और क्या होता है कि अगर नाक न रहे, हम किसी भी पदार्थ या वस्तु का हम गंध का हमें पता ना चल पाए। तो नाक के माध्यम से ही हमें किसी भी वस्तु या पदार्थ का हमें जो गंध का पता चलता है, तो नाक के माध्यम से ही पता चलता है। तो हम फिगर के माध्यम से देखते हैं इसके कार्य और इसकी संरचनाएं यह कैसे कार्य करता है। ये रहा ह्यूमन नोज। ह्यूमन नोज, ठीक। तो नाक का जो यह हिस्सा होता है, इस वाले भाग को, यह जो होता है हमारे नाक में क्या होता है कि दो नॉस्ट्रियल पाए जाते हैं, या नाक के जो दो छिद्र होते हैं, जैसे एक इस बगल और एक इस बगल। तो इसको नोस्ट्रियल कैविटी कहते हैं। नोस्ट्रियल कैविटी, और यह जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, यह जो क्या करता है, हमारे नाक को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटे रहता है। जो ये नोस्ट्रियल होता है, इसको दो भाग में ऐसे क्या करता है, बांटा रहता है। तो इसको कहते हैं, इस वाले हिस्से को नेजल सेप्टम कहते हैं। नेजल सेप्टम, जो कि क्या करता है, नाक को दो बराबर भागों में बांटा रहता है। और जो नाक का हमें गंध का जो पता चलता है, वह कैसे कार्य करता है, और क्या होता है, नाक के पीछे ही, यहाँ जो हमारा नाक यहाँ तक हमारे ये दिखाई देता है, लेकिन इसके जस्ट पीछे, तो यह क्या करता है कि यहाँ के पास एक अल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। इसी के पास क्या होता है, अल्फैक्टरी रिसेप्टर। यह जो अल्फैक्टरी रिसेप्टर, या हिंदी में इसको कहते हैं घ्राणेंद्रिया। तो नाक के माध्यम से क्या होता है कि जो यह नोस्ट्रियल गुहा होता है, यहाँ तक जो गंध पहुँचाने का कार्य करता है, यहाँ तक ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तक, तो ये नाक के छिद्र के माध्यम से यहाँ से होते हुए क्या होता है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तक पहुँचता है। तो जो कि यह गुहा क्या करता है, जो गंध को क्या करता है, ग्रहण करता है, गंध को रिसीव करता है। जो गंध के उद्दीपन को जो भी जाता है, तो उसको यह क्या करता है, ग्रहण करता है। तब जाके यहाँ से कुछ
सेल्स पाए जाते हैं जिससे यहाँ की जो कोशिकाएं होती है उसको उत्तेजित करती है, तब जाके गंध क्या होता है कुछ हमें आभास होता है, लेकिन मस्तिष्क तक जाता है तब जाके सुनाई देता है। और क्या होता है कि यहीं के पास, जैसे इसी के पास क्या होता है, यहीं पे एक ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, हिंदी में कहते हैं घ्राण तंत्रिका। तो यह जो होता है इसी के माध्यम से क्या होता है, यह जो होता है कि श्लेष्मिक श्लेष्मिका कला, तो श्लेष्मिका कला के क्या होता है, यह श्लेष्मिका कला के ऊपर पाया जाता है जो ये घ्राण तंत्रिका होता है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, श्लेष्मिका कला, तो इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, इसकी परत पे क्या होता है पाया जाता है। तो इसी से माध्यम से क्या होता है, यह जो एरिया होता है, यह जो क्षेत्र होता है, इसको जो यह है ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी नर्व जहां पे होता है उस वाले हिस्से को कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन या हिंदी में इसको कहते हैं घ्राण प्रदेश। तो यह जो एरिया होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेंस जो गंध आता है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बहुत ही लाखों की संख्याओं में कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका यह सेल। तो यह जो सेल होता है तो यहाँ पे क्या होती है, इसको जब गंध आता है तो इसको उत्तेजित करती है, इसको क्या करता है उत्तेजित करता है। जब यह उत्तेजित करता है तो यह क्या करता है कि घ्राण बल, तो इसी के पास क्या होता है घ्राण बल होता है, या हिंदी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल। तो यह जो होता है ये दोनों, ये ऑल्फैक्टरी रीजन और ये आपस में दोनों क्या होते हैं मिले होते हैं। यहाँ क्या होता है कि सूक्ष्म तंतु पाई जाती है, क्या होती है सूक्ष्म तंत्रिका होती है। तो यह क्या होते हैं एक दूसरे से मिले होते हैं। तो क्या होता है कि यहीं पे जब ये दोनों मिले होते हैं, ठीक है इसको जो घ्राण बल होता है या ऑल्फैक्टरी बल, तो यहाँ से जो भी यह गंध आता है क्या करता है हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो कि यहीं से ये दोनों जुड़े होते हैं। जो भी गंध का संवेदना उत्पन्न होती है उसको क्या करता है हमारे मस्तिष्क जो सेरिब्रम होता है सेरिब्रम के जो वहां पे टेम्पोरल बोन होता है टेम्पोरल बोन के पास के जो ये घ्राण केंद्र होता है वहां तक पहुंचने पे कार्य करता है। जब यहाँ पे पहुंच जाता है तब इसको क्या करता है उत्तेजित करता है, तब जाके हमें किसी भी वस्तु या पदार्थ का तब जाके गंध हमें सूंघ पाते हैं या हमें उस गंध का पता चल पाता है या किस प्रकार का गंध है या सुगंधित है या दुर्गंध में है, ठीक है। तो और क्या होता है कुछ
जो ये अल्फैक्टरी रीजन के पास होता है, जो ये कहलाता है, इसी के पास क्या होता है, अल्फैक्टरी रीजन, तो यहीं पे क्या होता है श्लेष्मिका कला, जो श्लेष्मिका कला या म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिका श्लेष्मिका कला के नीचे मान लीजिए ये क्या है, अल्फैक्टरी रीजन, ठीक है, ये अल्फैक्टरी रीजन है, जस्ट ये इसके नीचे क्या है, ये श्लेष्मिका या म्यूकस मेम्ब्रेन, तो यह जो मेम्ब्रेन है इसी के नीचे क्या होता है कि बोमेन ग्रंथि पाई जाती है, क्या बोमेन बोमेन ग्रंथि, तो यह जो ग्रंथि होती है कुछ मात्रा में क्या करता है, जल स्रावित करता है, जो जल या स्रावित करता है या प्रसारित करता है, तो क्या करता है कि यहाँ पे श्लेष्म हवा के माध्यम से, श्लेष्म हवा के साथ क्या होता है कि जो भी धूल कण या कुछ भी जो गंध का कण आता है तो उस गंध को क्या करता है, यहाँ पे घुलाता है या मिक्स करता है या यहाँ पे घुलता है, तो जब घुल जाता है तब यह क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क के जो केंद्र के पास जब जाता है तो वहां पे गंध के पास जब जाता है तो गंध क्या करता है, तब जाके गंध हमें क्या करता है, स्पष्ट रूप से सूंघ पाते हैं या हमें पता चल पाता है कि गंध ये सही है या खराब या किस प्रकार, किसी भी प्रकार का गंध हो तब जाके हमें पता चलता है, तो यह तो इसके कार्य हो गए, कैसे यह कार्य करता है। और हम देखते हैं कुछ इसके कार्य, जैसे और कहता है कि जो यह म्यूकस है, यही पे जो म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के पास ही क्या होता है कि यहाँ पे जो ये कुछ क्या करता है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या करता है, कफ उत्पन्न करता है, रोज डेली लगभग एक कफ मात्रा उत्पन्न करता है, जब यह उत्पन्न करता है तो इसी के माध्यम से क्या होता है कि यह क्या करता है कि जब अगर हमारे नाक में कोई धूल कण या कुछ भी आता है तो उसको रोकने का कार्य करता है, जो यह कफ होता है, कफ होता है तो क्या करता है, जो भी कण जाता है ना हमारे नाक में अंदर, तो उसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, जो कि अंदर हमारे नाक के अंदर या हमारे शरीर के अंदर कोई भी गंदगी या कण प्रवेश ना कर पाए। और क्या होता है कि जब अगर यही कफ की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है, एक से ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है, जैसे हमें जब सर्दी या जुखाम हो जाता है, तो जब जुखाम हो जाता है तो क्या होता है कि जब ये जुखाम होता है हमें किसी भी प्रकार का गंध है पता ना चल पाता है, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास में ही रख दिया जाए, कोई अच्छा सी चीज़ सुगंधित या अच्छा रख दिया जाए, तो हम उसको सूंघने में क्या होता है काफ़ी समय लगता है या सूंघ भी नहीं पाते हैं, तो जिससे हमें गंध का पता नहीं चल पाता है। तो जो ये सेंसरी रिसेप्टर होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स, जो ये सेंसरी रिसेप्टर होता है क्या होता है कि कार्य करना बंद कर देता है, जब कार्य करना बंद कर देता है तो हमें क्या होता है, यह है कोई किसी भी प्रकार का गंध हमें पता नहीं चल पाता है, जब गंध का पता हमें नहीं चल पाता है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, नाक को स्वच्छ रखने के लिए सही मात्रा में भोजन या कुछ भी किसी भी तरह से हमें
करना चाहिए, तब जाके हमें क्या होता है गंध सही से प्रकार से सुनाई सूंघ पाते हैं। और क्या होता है कि जैसे अगर हमें कैसे ये गंध का पता चलता है कि जैसे क्या होता है कि अगर हमें स्वादिष्ट कैसा है या दुर्गंध कैसा है, तो जो होता है कि हमारे मस्तिष्क जब ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के पास जाता है तो यहीं पे गंध क्या होता है कि जो कि ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी रीजन और ऑल्फैक्टरी बल्ब ये दोनों जब मिले रहते हैं, ये दोनों पास में मिले होते हैं, तो क्या होता है कि इसे आपस में बहुत ही तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, ये आपस में जुड़े होते हैं। जब ये उत्तेजित होती हैं, उत्तेजित होकर हमारे मस्तिष्क तक जब पहुंचता है तो यह सही से कार्य कर नहीं पाते, इसीलिए हम कुछ सूंघ नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि जैसे कुछ इसके अलग से कार्य है, जैसे क्या होता है जैकोब्सन के माध्यम से जैकोब आर्गन्स के माध्यम से कुछ प्राणियों में क्या होता है गंध के द्वारा भोजन को पहचानने में क्या होता है काफी सहायता होता है, जो कि यह काफी सहायता करता है जिससे आसानी से भोजन को क्या होता है पहचान पाते हैं कि किस प्रकार का भोजन है, कुछ प्राणियों में पाया जाता है। और क्या होता है जैसे बिल्ली और कुत्ता, ऑल्फैक्टरी फंक्शन जो होता है कुत्ता बिल्ली में यह मनुष्यों की अपेक्षा क्या होता है कुछ ज़्यादा पाया जाता है, जो जब यह ज़्यादा होता है कि जो कि इनको काफ़ी दूर से ही गंध का पता चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने नाक के बारे में पढ़ा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।